इस शरीर का सार क्या है, ये मानव शरीर जो मिला। तो आचार्य चरण कहते हैं, देहस्य सारम व्रत धारणम च, इस देह का फल ये है कि हम इस देह को पाकर व्रत करें, तप करें, अनुष्ठान करें, तपस्या करें, इसलिए ये शरीर मिला है। और धन क्यों दिया भगवान ने, तो कहते हैं वित्तस्य सारम खलु पात्र दानम। वित्त का फल क्या है, धन मिला, इस धन को सतपात्र को दान करो, सतपात्र इसका उपयोग करें तुम्हारे धन का, यही धन की सार्थकता है। और वाणी का फल क्या है, पशु को भगवान ने वाणी नहीं दिया, वाच फलम प्रीतिकरम नराणाम। और वाणी का फल यह है कि ऐसी वाणी बोलो कि सब तुमसे प्रीति करने लग जाए, यही वाणी का फल। पशु को भी भगवान ने बुद्धि दी है लेकिन अल्प बुद्धि है, वाणी पशु को भी दी है लेकिन वाणी पशु की स्पष्ट नहीं है, उस वाणी में व्यक्त करने का अभिव्यक्ति का सामर्थ्य नहीं है, लेकिन मानव के पास जो वाणी है इस वाणी का सदुपयोग ये हो कि प्रीति करह नराणाम, प्राणियों में हमारी प्रीति हो और लोग हमसे प्रीति करें, यही बुद्धि देह धन और वाणी का फल है। इस मानव जीवन को पाकर बुद्धि शरीर वित्त और वाणी से हम अपने जीवन को धन्य बना लें, भगवान के चरणों में हमारी प्रीति हो जाए, यही मानव जीवन का परम उद्देश्य है। सारे शास्त्र पुराण एक मत से इसी बात का प्रतिपादन करते हैं, सारे शास्त्रों का यही सार है। और जब तक जीव भगवान के भजन में नहीं लगेगा तब तक उसका कल्याण नहीं हो सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि बारी मथे घृत होत बरु सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरिय यह सिद्धांत अपेल। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि बारी मथे घृत है होत बरु, पानी को मथने से घी नहीं निकल सकता, परंतु ये असंभव भी संभव हो जाए कदाचित कि पानी को मथने से घी निकल जाए, तो कहते हैं ये संभव हो सकता है, यद्यपि है नहीं लेकिन हो सकता है। बारी मथे घृत होत बरु सिकता ते बरु तेल, बालू को कोल्हू में डालकर पेरने से तेल निकल जाए, यद्यपि संभव नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, परंतु ये असंभव भी संभव हो सकता है, थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए। इसको हमारे यहाँ शास्त्र में कहते हैं दुर्जन तुष्यत न्याय, इसको कहा जाता है। दुर्जन तुष्यत न्याय का मतलब है सामने वाला कोई व्यक्ति गलत कह रहा है फिर भी थोड़ी देर के लिए उसको समझाने के लिए उसकी बात को ही सही मान लिया जाए, चलो ठीक है तुम ये कह रहे हो हम मान रहे हैं लेकिन अब आगे चलो विचार करो। तो बालू को पेरने पर तेल हो सकता है लेकिन बिनु हरि भजन न भव तरीय, बिना भगवान के भजन के भव सागर से कोई पार नहीं जा सकता। यह सिद्धांत अपेल, यह सिद्धांत अकाट्य सिद्धांत है, इसे कोई काट नहीं सकता। इसलिए मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य यही है कि हम भगवान का भजन करें। अनित्यम असुखम लोकम इमं पाप्य भजस्व माम,
श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अनित्यम सुखम लोकम, ये संसार अनित्य है और यहां के जो संसाधन हैं वो भी अनित्य हैं, जो शरीर मिला है ये भी अनित्य है। इस अनित्य शरीर को, अनित्य संसाधन को पाकर हम उस नित्य परमात्मा को प्राप्त कर लें, यही बुद्धिमानी है। भगवान कहते हैं अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम, इसे पाकर के मेरा भजन करो। और इस अनित्य शरीर संसार को पाकर के जो भगवान का भजन नहीं करता वो कौन है? तो भगवान कहते हैं नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः, जो मेरा भजन नहीं करते। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ाः, वो दुष्कृति है, उनके कर्म अच्छे नहीं। मूढ़ाः, वो मूढ़ है, मूर्ख है। नराधमाः, वो नराधम है, नर ही नहीं नराधम है। मनुष्यों में भी वो अधम है जो भगवान की भक्ति नहीं करता। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा, इन समस्त वाक्यों का अनुसंधान करके, महापुरुषों की वाणी पर विचार करके और संसार की अनित्यता का अनुभव करके यही निष्कर्ष निकलता है कि हम भगवान का भजन करें। ये संसार अनित्य है, कुछ भी रहेगा नहीं। ये दुनिया क्या है? संतों ने कहा इस दुनिया में आओ और चले जाओ। आवागमन लगा दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट। ये तो रेस्टोरेंट है, आओ थोड़े दिन रेस्ट करो और फिर यहां से चलो। आवागमन लगा दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट। ओ आवागमन लगा दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट। ओ आवागमन लगा दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट। ओ आवागमन लगा दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट। काली सभी को खा जाएगा, अंत समय में निकल जाएंगे, अंत समय में उखड़ जाएंगे सबके तंबू ठेंगे। जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, अंत समय में उखड़ जाएंगे, अंत समय में उखड़ जाएंगे सबके तंबू टेंगे। जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी घूमो दिल्ली के, ओ हरिद्वार चाहे मथुरा काशी घूमो दिल्ली के, ओ हरिद्वार चाहे मथुरा काशी घूमो दिल्ली के, ओ हरिद्वार चाहे मथुरा काशी घूमो दिल्ली के। ध्यान रहे जब प्रभु चरणों में, ध्यान रहे जब प्रभु चरणों में, पहनो धोती पैंट जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। राष्ट्रपति या जनरल कर्नल अथवा लेफ्टिनेंट, ओ राष्ट्रपति या जनरल कर्नल अथवा लेफ्टिनेंट, काली
सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा। लेडीज हो या जेंट्स, जगत में कोई न परमान है, जगत में कोई न परमान है, जगत में कोई न परमान है। साधु संत की संगति कर लो ये सच्ची गवर्नमेंट, ओ साधु संत की संगति कर लो ये सच्ची गवर्नमेंट, साधु संत की संगति कर लो ये सच्ची गवर्नमेंट, ओ साधु संत की संगति कर लो ये सच्ची गवर्नमेंट। लाल सीख कहे इस दफ्तर में, मत हो ना ए फ्रेंड, जगत में कोई न परमान है, जगत में कोई न परमान है, जगत में कोई न परमान है। तेल चमेली ओ के साबुन, तेल चमेली ओ के साबुन, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। संसार के इस चक्र में पढ़कर हम भटक जाते हैं, और भटकाव का यही कारण है कि संसार को हम नित्य मान लेते हैं। एक संत कहते थे कि सवेरे से उठकर रात्रि के शयन करने के पहले तक दिन में अगर दो चार बार भी इस बात का व्यक्ति स्मरण कर ले कि मुझे एक दिन इस दुनिया से जाना है, अपनी मृत्यु का एक बार वो स्मरण कर ले तो जीवन में उसके द्वारा कभी कोई पाप कर्म नहीं होगा, असत कर्म नहीं होगा। एक बार भी दिन भर में अपनी मृत्यु का व्यक्ति स्मरण करे, एक दिन मरना है, इस दुनिया से जाना है, इस बात को हम भूल जाते हैं। इसीलिए हमारे द्वारा अनेक अत्याचार अनाचार पापाचार होता है। अगर बार बार हम अपनी मृत्यु का स्मरण करते रहें, संसार की अनित्यता का स्मरण करते रहें, तो हम कभी भटकेंगे नहीं। और ये ज्ञान तभी होगा जब हम बार बार सत्संग करते रहे। सत्संग बार बार होना चाहिए। भगवान शंकर कहते हैं कि बार बार बर मागहूं हरसि देव श्रीरंग, पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। सत्संग सदा मिले, एक दिन के सत्संग से, एक बार के सत्संग से सारा भ्रम दूर नहीं होता। जब बहु काल करी सत्संगा, तब हुई हैं सब संशय भंगा। जब बार बार सत्संग करते रहेंगे तब सारे संशय दूर हो। सारे भी ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकते। हमने देखा है सरकार के तरफ से बड़े बड़े मेले लगाए जाते हैं, लेकिन उन मेलों में कोई दमखम नहीं होता। और ये मेला बोले कोई नहीं लगाता, किसी को कोई सूचना नहीं दी जाती कि आप आओ मेला लगाओ, ये करो। साहब अपने मन से आते हैं और जिसको जहाँ जगह मिलती है रहते हैं, जो व्यवस्था बनती है वो बन जाती है, और उसी में आनंद होता है, और एक इतना बड़ा नगर बस जाता है। ये परमानंद है, ये भारत की आध्यात्मिक शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण है, ये भारत की अमूर्त धरोहर है। ताजमहल लाल किला भले धरोहर लोग मानते हो, लेकिन वो अमूर्त धरोहर है, उसका रूप है, लेकिन ये अमूर्त है। एक महीने बाद आप यहां आओगे
तो एक आदमी नहीं मिलेंगे, खुला मैदान मिलेगा। और इस समय बोले पूरा नगर बसा है, ये भारत की अमूर्त धरोहर में है माघ मेला प्रयाग, और यहाँ बड़े बड़े महापुरुषों का दर्शन सत्संग का ये लाभ। इसी क्रम में हम सभी लोग श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के माध्यम से भगवान श्री राम की पावन चर्चा श्रवण कर रहे हैं। वाल्मीकि पर्वत से प्रकट होकर राम सागर तक जाने वाली ये कथा गंगा समस्त प्राणियों को पवित्र करती है। वाल्मीकि गिरि संभूता राम सागर गामिनी पुनाति भुवनाम भुवनम पुण्या रामायण महानदी। ये रामायण महानदी वाल्मीकि पर्वत से प्रकट होकर राम सागर तक जाती है और पुनाति भुवनम पुण्या